students, welcome back. So in the last lecture, we have studied about the nervous system and sense organs of cockroach. तो आज हम लोग reproductive system करेंगे. अभी तक मैं आपको structural organization in animals में काफी सारे tissues के types, epithelial, then nervous tissue, connective tissue, muscular tissue, तो मैं आपको ये सब discuss कर चुकी हूँ. Then cockroach की morphology and many of the anatomical systems. ये last system है and with this topic we will be covered with this chapter. हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स कंप्लीट हो जाएगा. ये टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे काफी क्वेश्चंस नीट में आते हैं. डू वॉच दिस लेक्चर टिल एंड. मैं आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज भी दूंगी लास्ट में एज यूजुअल प्रैक्टिस के लिए. आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं इस टॉपिक से. ठीक है, सो डू वॉच दिस लेक्चर टिल एंड. और अगर आपके प्रीवियस लेक्चर्स मिस हो गए हैं, यू कैन वॉच देम. मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. ठीक, सो कौन कौन से टॉपिक्स आज हम करेंगे, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देयर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट एंड देन द मेटामॉर्फोसिस. तो बिफोर आई स्टार्ट विद द दिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैं जब भी एनिमल किंगडम में कोई भी फाइलम कराती हूँ तो मैंने आप लोगों को वहां पर कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस करे थे, लाइक मोनोशियस और डायोशियस. राइट, डायोशियस का मतलब क्या है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी कि सेक्सेस जो है सेपरेट हैं. आप मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है. तो कॉकरोच जो है डायोशियस है, मेल फीमेल सेपरेट है. जो फीमेल कॉकरोच है उसका एब्डोमिन जो है वो ब्रॉड है, ब्रूड और जेनाइटल पाउच प्रेजेंट है, लेकिन फीमेल कॉकरोच में एनल स्टाइल्स नहीं होते. और ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है, फीमेल कॉकरोच लैक्स, तो पता होना चाहिए कि उसके पास एनल स्टाइल्स नहीं होते हैं. नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, यहाँ पे मैंने उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और कुछ ग्लैंड्स के और पार्ट्स के नाम लिखे हैं. ठीक है, इनके फंक्शंस, इनकी लोकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे भी आपके एमसीक्यूज में काफी हेल्प आपको मिलेगी, काफी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं. ठीक, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सबसे पहले आप ये देखो, उसमें सबसे पहले आता है टेस्टिस. दिस इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द मेल कॉकरोच. अब ये जो टेस्टिस है आपको दो दिख रही है, मतलब टेस्टिस कैसे प्रेजेंट होती है, पेयर्ड फॉर्म में टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट ऑन ईदर ऑफ द डोर्सोलेटरल साइड. ठीक, अब टेस्टिस जो है ये फोर्थ टू सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होती है. कहाँ प्रेजेंट होती है? फोर्थ टू सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में टेस्टिस लोकेटेड होती है. इसका काम क्या होता है? ऑब्वियसली इसके यहाँ पर जो है स्पर्म्स या स्पर्मेटोजुआ जो है वो बनते हैं, और वो स्पर्म्स या स्पर्मेटोजुआ जो है वो टेस्टिस से होते हुए वासा डिफरेंस में जाते हैं. दिस इज द वासा डिफरेंशिया. तो टेस्टिस से ये स्पर्म्स बने, वासा डिफरेंशिया में गए. वासा डिफरेंशिया क्या है? ये भी एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है. आपको दो ट्यूब्स दिख रहे हैं, हर एक पोस्टीरियर एंड ऑफ टेस्टिस से वासा डिफरेंशिया निकलता है. ये वासा डिफरेंशिया पोस्टीरियरली एक्सटेंड होता है और ये मूव करता है टुवर्ड्स द इजेक्यूलेटरी डक्ट. तो टेस्टिस में स्पर्म्स बने, ये कहाँ प्रेजेंट है? ऑन ईदर ऑफ द डोर्सोलेटरल साइड, फोर्थ टू सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट में ये प्रेजेंट है. उसके बाद यहां से वासा डिफरेंस निकल रहा है, वो उसको इजेक्यूलेटरी डक्ट तक कंडक्ट कर रहे हैं. अब ये जो इजेक्यूलेटरी डक्ट है, ये दोनों तो पेयर थे, टेस्टिस और वासा डिफरेंशिया. जो इजेक्यूलेटरी डक्ट है ये सिंगल है, मीडियन है और मस्क्यूलर डक्ट है. ये इजेक्यूलेटरी डक्ट जो है ये कनेक्ट होती है टू द जेनाइटल पाउच थ्रू मेल जेनाइटल पोर. यानी कि सबसे पहले यहाँ पर स्पर्म्स बने टेस्टिस में, वो वासा डिफरेंस के थ्रू इजेक्यूलेटरी डक्ट में गए. इजेक्यूलेटरी डक्ट जो है वो जेनाइटल पाउच तक स्पर्म्स को कंडक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ मेल जेनाइटल पोर, जो कि एक स्लिट लाइक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जेनाइटल पाउच और इजेक्यूलेटरी डक्ट के बीच में. इस सिस्टम को अच्छे से इसलिए समझना क्योंकि जब आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझोगे, आप फीमेल से इजीली कंपेयर कर पाओगे, याद करना इजी हो जाएगा. राइट, अगला आता है मशरूम ग्लैंड. मशरूम ग्लैंड की लोकेशन क्या है? सिक्स्थ टू सेवेंथ एब्डोमिनल सेगमेंट. एग्जैक्टली कहां प्रेजेंट होता है? वासा डिफरेंशिया जो है वो कहां जा रहा है, किसकी तरफ मूव कर रहा है? इजेक्यूलेटरी डक्ट की तरफ. तो जहां वासा डिफरेंस और इजेक्यूलेटरी डक्ट मिलते हैं उसकी जंक्शन पर, एट द जंक्शन ऑफ वासा डिफरेंस एंड इजेक्यूलेटरी डक्ट, मशरूम ग्लैंड जो है वो सराउंड कर रहा होता है. मशरूम ग्लैंड के अंदर कॉम्पैक्ट ब्लाइंड टिब्यूल्स प्रेजेंट होती है, स्मॉल एंड लॉन्ग, एकदम कॉम्पैक्ट ट्यूब्यूल्स जो है मशरूम ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होती है. मशरूम इज समथिंग रिलेटेड टू नरिशमेंट. इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. मशरूम समथिंग रिलेटेड टू नरिशमेंट, तो याद करना आसान हो जाएगा. मशरूम ग्लैंड का काम क्या है? इट नरिशेस द स्पर्म्स. जो डेवलपिंग स्पर्म्स है उनको मशरूम ग्लैंड नरिश करता है सिक्स टू सेवेंथ एब्डोमिनल सेगमेंट में
located है एट द जंक्शन ऑफ वासा डेफरेंस एंड एजेक्यूलेटरी डक्ट. अगला आता है फैलिक और कॉन्ग्लोमेट ग्लैंड. इनके जो कॉमन नेम्स हैं, ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए कि फैलिक ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ग्लोमेट ग्लैंड, और कॉन्ग्लोमेट ग्लैंड को आप फैलिक ग्लैंड भी कह सकते हो. कौन से रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है? मेल के. इस पे भी एमसीक्यूज बनते हैं. ठीक, तो फैलिक और कॉन्ग्लोमेट ग्लैंड. अब ये फैलिक और कॉन्ग्लोमेट ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है और इसका क्या फंक्शन है? ये इजेक्यूलेटरी डक्ट है. जस्ट बिलो द इजेक्यूलेटरी डक्ट ये एक क्लब शेप्ड ग्लैंड है, ऑर्गन है, जो कि प्रेजेंट होता है एकदम किसके नीचे? इजेक्यूलेटरी डक्ट के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है. इस फैलिक ग्लैंड या कॉन्ग्लोमेट ग्लैंड का काम क्या है? जो स्पर्मेटोफोर बनता है उसकी आउटर कवरिंग बनाता है. अब ये स्पर्मेटोफोर क्या है? ये एक पियर शेप्ड प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होता है, कैप्स्यूल है, प्रोटीनिशियस कैप्स्यूल है जिसके अंदर स्पर्मेटोजुआ और स्पर्म्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. तो फैलिक और कॉन्ग्लोमेट ग्लैंड जो है ये इजेक्यूलेटरी डक्ट के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, और इस ग्लैंड का काम क्या है? आउटर कवरिंग बनाना ऑफ द स्पर्मेटोफोर. स्पर्मेटोफोर क्या है? पियर शेप्ड प्रोटीनिशियस कैप्स्यूल जिसके अंदर स्पर्मेटोजुआ और स्पर्म्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. अब यही स्पर्मेटोफोर्स जो है ड्यूरिंग कॉपुलेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर करते हैं, राइट? अब आता है सेमिनल वेसिकल्स. सेमिनल वेसिकल की क्या पोजीशन है? बहुत ध्यान से देखना. एंटीरियर. व्हाट आई मीन बाय एंटीरियर? कहां एंटीरियर? ये इजेक्यूलेटरी डक्ट है. इजेक्यूलेटरी डक्ट का जो एंटीरियर पार्ट है, राइट, उसकी भी वेंट्रल पोजीशन. मैंने आप लोगों को एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल, ये सारी पोजीशन आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताई थी. सो जो इजेक्यूलेटरी डक्ट है उसका जो एंटीरियर पार्ट का भी वेंट्रल पोजीशन है, वहां पर ये सेमिनल वेसिकल्स लोकेटेड होते हैं. इस सेमिनल वेसिकल का काम क्या होता है? स्पर्म्स को स्टोर करना, साथ में उनको ग्लूड करना. यही स्पर्म्स जो है ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं बंडल्स में, दे गेट ग्लूड टुगेदर एंड दे फॉर्म अ स्पर्मेटोफोर. यहां पर ये स्पर्मेटोफोर की जो है फॉर्मेशन होती है. सो बेसिकली क्या हो रहा है कि सेमिनल वेसिकल्स जो है ये, इनके आपको एक तो पोजीशन पता चल गई क्या पोजीशन है, और साथ साथ आपको ये पता चल गया कि यहीं पर इसी सेमिनल वेसिकल्स जो है यहाँ स्पर्म्स स्टोर हो रहे हैं, और यहीं से जो स्पर्म्स हैं वो एक दूसरे से ग्लूड हो रहे हैं, दे आर गेटिंग ग्लूड टुगेदर, राइट? और एक दूसरे से ग्लूड होने के बाद दे आर मेकिंग अ स्पर्मेटोफोर. अब आते हैं जेनाइटल पाउच. जेनाइटल पाउच कहाँ प्रेजेंट होगा? एट द हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन. हाइंड एंड क्या है? हाइंड क्या है? जैसे फोर लेग, हाइंड लेग होती है ना, फोर लेग आगे वाली लेग, हाइंड लेग पीछे वाली लेग. तो एब्डोमेन का जो बिल्कुल एंड है वहां पर ये जेनाइटल पाउच लोकेटेड होता है. प्लेज अ मेजर रोल इन द कॉपुलेशन. अब जो जेनाइटल पाउच है क्योंकि हाइंड एंड पे लोकेटेड है, किसी से तो कवरिंग होगी, बाउंडेड होगा. इसकी बाउंडिंग क्या है? अगर आप यहाँ देखो, ओके, इस फिगर में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन आप ऐसे देख सकते हो कि दो पोजीशंस हैं, डॉर्सल एंड वेंट्रल. डॉर्सली हमेशा टर्गा प्रेजेंट होगा, वेंट्रली हमेशा स्टर्नम प्रेजेंट होगा. तो डॉर्सली इट इज बाउंडेड बाय 9th एंड 10th टर्गा, वेंट्रली इट इज ऑलवेज बाउंडेड बाय द 9th स्टर्नम. मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना. जेनाइटल पाउच जो है ये हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है. मेल कॉकरोच के हाइंड एंड में जेनाइटल पाउच है. कॉपुलेशन में इसका रोल है. अब कैसे, क्या रोल है, कैसे रोल है वो देखो. जेनाइटल पाउच पहली बात तो कैसे बाउंडेड होता है, कवर कैसे होता है, क्योंकि एकदम पीछे वाले एंड पे प्रेजेंट है. डॉर्सली 9th और 10th टर्गा, वेंट्रली 9th स्टर्नम जो है इस पार्ट को सराउंड करता है. जेनाइटल पाउच के अंदर तीन चीजें आती हैं. कौन सी तीन चीजें हैं? सबसे पहले है डॉर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर एंड गोनेपोफाइसिस. बहुत इजी है, टफ नहीं है, ध्यान से समझोगे हो जाएगा. जेनाइटल पाउच, अभी तक हम लोग बोल रहे थे ना इजेक्यूलेटरी डक्ट कहाँ जा रही है, जेनाइटल पाउच. ओपनिंग किसके थ्रू हो रही है? मेल जेनाइटल पोर. जेनाइटल पाउच क्या है बेसिकली? ये एक हाइंड एंड पे लोकेटेड स्ट्रक्चर है जो कि डॉर्सली वेंट्रली टर्गा और स्टर्नम से बाउंडेड है. पोजिशन और एबडोमिन नंबर याद रखना है, 9th एंड 10th टर्गा, डॉर्सली एंड वेंट्रली जो है स्टर्नम प्रेजेंट है, दैट इज द 9th स्टर्नम. अब उसके बाद जो जेनाइटल पाउच है ये इस तरीके से सराउंडेड है, ये तो आप लोगों को अभी तक क्लियर हो गया. ठीक, अब इसके अंदर तीन चीजें प्रेजेंट है. इट कंटेन्स डॉर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट गोनेपोफाइसिस। अब ये गोनेपोफाइसिस क्या है, इसे एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन में रोल प्ले करता है, पॉपुलेशन में हेल्प करता है। कैसे? ये सराउंड करते हैं मेल जेनाइटल पोर को। मेल जेनाइटल पोर क्या है, इट्स अ स्लिट लाइक ओपनिंग जो इजेक्यूलेटरी डक्ट को जेनाइटल पाउच तक लेके जा रही है। तो जो गोनेपोफाइसिस है ये उस मेल जेनाइटल पोर को सराउंड करता है, और ना केवल सराउंड करता है बट इट इज मेड अप ऑफ थ्री काइटिनस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स जिसे आप फेलोमियर्स कहते हो। अब डायग्राम में देखो आप लोगों को ये दिख रहा है ना, लेफ्ट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर, राइट फेलोमियर। तो बेसिकली जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया या गोनेपोफाइसिस है ये मेल जेनाइटल पोर को सराउंड कर रहा है, तीन काइटिनस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स का बना हुआ है जिसे आप फेलोमियर्स कहते हो, और ये वो तीन फेलोमियर्स है। सो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सब कुछ आ गया। पहले टेस्टिस है, टेस्टिस का क्या काम है आपको ये समझ में आना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटोजुआ बनाता है, क्या इसकी लोकेशन है, वासा डिफरेंशिया है, इजेक्युलेटरी डक्ट सिंगल है, पेयर्ड नहीं है, और इसके बाद मशरूम ग्लैंड जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, स्मॉल और कॉम्पैक्ट ट्यूब्यूल्स का बना हुआ है, ये स्मॉल ट्यूब्यूल्स वगैरह जो दिखा रखे हैं, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है, जंक्शन ऑफ वासा डिफरेंस एंड इजेक्युलेटरी डक्ट। फैलिक और कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड जो है ये यहाँ प्रेजेंट है, आपको बता चुकी हूँ। ये बेसिकली ऊपर की तरफ देखो, फिफ्थ एब्डोमिनल सेगमेंट तक जा रहा है। आई कैन काउंट 1, 2, 3, 4। ओके, सो जैसे आप लोगों को मैंने बताया ना, सेगमेंट्स बताई थी मैंने आपको, बताया था कि इजेक्यूलेटरी डक्ट जो है उसकी एंटीरियर पोजीशन पर, मतलब कि फिफ्थ एब्डोमिनल सेगमेंट तक ही एक्सटेंड हो रहा है। अभी तक आप सारी जैसे क्या देख रहे थे, पोस्टीरियर पोस्टीरियर नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन अगर आप फेलिक ग्लैंड की लोकेशन देखोगे तो ये एंटीरियरली लोकेटेड है, तो फिफ्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में लोकेटेड है। स्पर्मेटोफोर की आउटर कवरिंग बनाता है। देन आपको मैंने सेमिनल वेसिकल्स बताए, स्पर्म को स्टोर करता है। पोजीशन याद रखना, जेनाइटल पाउच क्या करता है, गोनेपोफाइसिस क्या करते हैं, यहाँ पे फेलोमियर्स प्रेजेंट है। दिस वॉज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर अब आपको ये याद है कि किस ऑर्गन का, किस ग्लैंड का क्या फंक्शन है, कौन सी एब्डोमिनल सेगमेंट्स में लोकेटेड है, तो इजीली अब आप फीमेल को भी समझ सकते हो। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जैसे वहां पर टेस्टिस थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वहां ओवरीज है, ठीक। वहां पर टेस्टिस फोर्थ टू सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में लोकेटेड थी, यहां ओवरीज सेकंड टू सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में लोकेटेड है। वहां पे टेस्टिस भी पेयर्ड थी, यहां ओवरीज भी पेयर्ड है। ये येलो कलर के स्ट्रक्चर है जो कि फैट बॉडीज में इंबेडेड होते हैं, और ये ओवरीज कैसी है, पेयर्ड है, जैसे टेस्टिस पेयर्ड था, ठीक। अब ओवरीज जो है इसके अंदर एट नंबर आपको याद रखना है, कितने नंबर, एट नंबर ऑफ ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स, बीडेड ट्यूब्यूल्स, टेपर्ड। टेपिंग आपको पता है ना, टेपर्ड कैसा दिखता है, टेपर्ड कैसी फिगर होती है, आई जस्ट ट्राई टू ड्रॉ इफ आई कैन। इट्स समथिंग इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है, ये ऐसे कुछ टेपर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये टेपर्ड है। तो टेपरिंग जो है ओवरीज के अंदर, टेपरिंग ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रही है, एट फाइन टेपर्ड, एकदम टेपर्ड एंड वाली आपको ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स मिलेंगी जिसे हम ओवेरियोल्स कहते हैं, ठीक है। ये फीमेल कॉकरोच की ओवरीज में होती है। ये ओवेरियोल्स जो है ये एक दूसरे से कंबाइन हो रही है, कंबाइन होकर के ये दो लेटरल डक्ट्स बना रही है, दो लेटरल ओविडक्ट बना रही है। ये जो दो लेटरल ओविडक्ट्स हैं, ये दोनों ओवल ओविडक्ट्स, दे आर कंबाइनिंग इनटू अ कॉमन ओविडक्ट। तो ये ओविडक्ट हो गया, बहुत इजी हो गया ना समझना। ओवरीज, ओवरीज में ट्यूब्यूल्स, जिसे आप क्या कह रहे हो, ओवेरियोल्स, कितनी है नंबर में, एट। दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म द लेटरल लेफ्ट एंड राइट ओविडक्ट। ओविडक्ट आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ कॉमन ओविडक्ट। ये जो कॉमन ओविडक्ट है, इसका जो पोस्टीरियर एंड है, वहां वेजाइना प्रेजेंट होता है। अब ये जो वेजाइना है, ये जेनाइटल पाउच में फीमेल जेनाइटल पोर के थ्रू ओपन होता है। अब याद और कंपैरिजन कैसे करोगे, वहां इजेक्यूलेटरी डक्ट था, ठीक है, इजेक्यूलेटरी डक्ट जेनाइटल पाउच में ओपन हो रहा था मेल जेनाइटल पोर के थ्रू, तो यहाँ विजाइना जेनाइटल पाउच में ओपन हो रहा है जेनाइटल पोर के थ्रू। वहां पर वासा डिफरेंस था जो कि टेस्टिस को और इजेक्यूलेटरी डक्ट को कंबाइन कर रहा था। यहां पर ओविडक्ट है जो कि ओवरीज को और उसके वाइडर पोस्टीरियर पार्ट वेजाइना को कंबाइन कर रहा है। देख रहे हो कितनी सिमिलैरिटी है। तो आप एक चार्ट बना सकते हो और उस चार्ट में, उस डिफरेंशियल फॉर्म में आप इन चीजों को लिख सकते हो, कितना इजी हो जाएगा। टेस्टिस ओवरी, टेस्टिस से क्या जा रहा है, वासा डिफरेंस, यहां से क्या जा रहा है, ओविडक्ट, ओविडक्ट के पास क्या आ रहा है, वेजाइना आ रहा है, यहां से क्या आ रहा है, कंबाइन हो रहा है इजेक्यूलेटरी डक्ट, एंड दे बोथ आर ओपनिंग इनटू देयर रिस्पेक्टिव जेनाइटल पाउचेस।
विद देयर रिस्पेक्टिव जेनिटल पोल्स. अब इसके बाद आपको यहां दे रखा है स्पर्मथीका. स्पर्मथीका का काम क्या है? स्पर्मथीका सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट में लोकेटेड होती है. ये अब फीमेल में सब कुछ पेयर्ड आ रहा है. देखो, ओवरीज पेयर्ड, ओविडक्ट पेयर्ड, स्पर्मथीका पेयर्ड. स्पर्मथीका का काम क्या होता है? कॉपुलेशन के टाइम पे जो भी स्पर्मेटोफोर्स आते हैं उनको अच्छे से स्टोर करना. ठीक है, तो स्पर्मथीका इज बेसिकली स्टोरिंग ऑल दी स्पर्मेटोफोर्स जो भी उसको मिल रहे हैं एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन. सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में इट्स लोकेटेड. अब उसके बाद ओके, दिस इज स्पर्मथीका. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कोलेट्रियल ग्लैंड. इट्स नॉट कोलेट्रियल ग्लैंड, कोलेट्रियल ग्लैंड. ये आपको पता होना चाहिए. ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है. ये दिख रही है ब्रांचेस जैसी आपको, ये पॉइंटर देखो, ये जो ब्रांचेस आपको दिख रही हैं, दिस इज अ कोलेट्रियल ग्लैंड. अब ये जो कोलेट्रियल ग्लैंड है इसका काम क्या होता है? कोलेट्रियल ग्लैंड, जैसे वहां पर स्पर्मेटोफोर की आउटर कवरिंग कौन बना रहा था? फैलिक और द कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड, राइट? जो स्पर्मेटोफोर का आउटर कवरिंग है वो कौन बना रहा है? फैलिक ग्लैंड बना रहे हैं. यहाँ कोलेट्रियल ग्लैंड वो काम कर रहे हैं. जो एग्स फर्टिलाइज हो गए हैं उनके आसपास एक हार्ड एग केस बनेगा जिसे हम ऊथीका कहते हैं. आई रिपीट, कोलेट्रियल ग्लैंड्स जो है दे सिक्रीट हार्ड एग केस दैट वी कॉल्ड एज अ ऊथीका. ये ब्रांच्ड पेयर्ड स्ट्रक्चर है. ठीक, अब कोलेट्रियल ग्लैंड्स जो है इसके बाद हम लोग बात करेंगे जेनिटल पाउच और जेनिटल चेम्बर की. मैंने यहाँ पे दो टर्म्स लिखी है, जेनिटल एट्रियम एंड वेस्टिब्युलम. अब जैसे वहां पर जेनिटल पाउच को मैंने कहा था कि सराउंडेड होता है. ठीक है, डॉर्सली नाइन्थ और टेंथ टर्गा है, वेंट्रली इसके पास स्टर्नम है. अब यहां पर क्या है, जो सेवेंथ स्टर्नम है इन द केस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जेनिटल पाउच में जो सेवेंथ स्टर्नम है वो ब्रॉड और थोड़ा बोट शेप्ड है. ठीक है, एंड अलॉन्ग विद द एट्थ एंड नाइन्थ स्टर्नम वो जेनिटल पाउच या चेंबर बना रहे हैं. मैं ये दो टर्म्स में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन पहले ये बताना जरूरी था. वहां पर आपको याद रहेगा ना, जेनिटल पाउच डॉर्सली वेंट्रली नाइन्थ एंड टेंथ टर्गा डॉर्सली एंड वेंट्रली नाइन्थ स्टर्नम. यहाँ पर जो सेवेंथ स्टर्नम है हल्का सा ब्रॉड है क्योंकि एब्डोमेन इसका ब्रॉड होता है, बोट शेप्ड है. अलोंग विद एट्थ एंड नाइन्थ स्टर्नम इट्स मेकिंग अ जेनिटल पाउच और अ चेंबर. अब जो जेनिटल एट्रियम है वो क्या है? जेनिटल पाउच का जो इंटीरियर पार्ट है वहां पर तीन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट इज द फीमेल जेनिटल पोर, देन पोर्स ऑफ स्पर्मथीका, जो स्पर्मथीका के पोर्स हैं वो भी यहाँ पर होते हैं, अलॉन्ग विद द कोलेट्रियल ग्लैंड, दैट वी कॉल्ड एज अ जेनिटल एट्रियम. आई रिपीट, आराम से सुनना समझना, जेनिटल पाउच में जेनिटल एट्रियम और वेस्टिब्युलम दो चीजें हैं, करेक्ट? जो जेनिटल एट्रियम है वो एंटीरियर पार्ट है. उस एंटीरियर पार्ट में तीन चीजें प्रेजेंट है. क्या क्या तीन चीजें प्रेजेंट है? सबसे पहले वहां पर फीमेल जेनिटल पोर है, देन पोर्स ऑफ स्पर्मथीका है, अलोंग विद दैट वहां पर प्रेजेंट है कोलेट्रियल ग्लैंड्स. ठीक, ये बनाते हैं जेनिटल एट्रियम. अब इसी जेनिटल पाउच का जो पोस्टीरियर पार्ट है दिस इज द वेस्टिब्युलम. ये जो वेस्टिब्युलम है इसका काम क्या है? यहाँ पर ऊथीका की फॉर्मेशन होगी. ठीक है, ऊथीका इज बीइंग फॉर्म्ड हियर. कोलेट्रियल ग्लैंड जो है वो सिक्रीट कर रहा है हार्ड केस को, उस हार्ड एग केस को, लेकिन वेस्टिब्युलम जो है यहां पर बेसिकली ऊथीका की फॉर्मेशन होती है. इसी की वजह से हम लोग वेस्टिब्युलम को ऊथीकल चेंबर भी कहते हैं. डू यू गेट दिस पॉइंट? जेनिटल पाउच जेनिटल एट्रियम और वेस्टिब्युलम कंटेन करता है. जेनिटल एट्रियम जो है वहां पर फीमेल गोनोपोर है, मतलब जेनिटल पोर है, उसके बाद कोलेट्रियल ग्लैंड्स हैं, एंड देन पोर्स ऑफ द स्पर्मथीका है. जो वेस्टिब्युलम है यहाँ पर ऊथीका इज बीइंग फॉर्म्ड, इसमें ऊथीका बनता है, तो इसकी वजह से इसे ऊथीकल चेंबर भी कहते हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, अब आई होप ये आप लोगों को काफी हद तक क्लियर है. स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है सो प्लीज टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. हम लोगों ने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर लिया. आप लोगों को मैंने इनके बीच में डिफरेंसेस बता दिए किस तरीके से याद करना है. हर एक का कॉमन नेम, हर एक की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से एब्डोमिनल सेगमेंट में लोकेटेड है. ठीक, इस पे एमसीक्यूज आती है.
अब दोनों के सिस्टम्स पढ़ लिए तो अब हम बढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, स्पर्मेटोजुआ और स्पर्म्स। ये स्पर्मेटोजुआ कहाँ बने, टेस्टिस में। टेस्टिस में बनने के बाद कहाँ जाएंगे, सेमिनल वेसिकल में, वेयर दे विल गेट स्टोर। स्टोर होने के बाद ये सेमिनल वेसिकल, क्योंकि कहाँ प्रेजेंट है सेमिनल वेसिकल, पोजीशन बताई थी मैंने आप लोगों को, एंटीरियर पोजीशन ऑफ इजेक्युलेटरी डक्ट, एंटीरियर पार्ट पर इजेक्युलेटरी डक्ट और वेंट्रल पोजीशन। तो इसके बाद जो सेमिनल वेसिकल है, यहाँ पे स्पर्म से स्टोर हुए, वो पाथ लेगा वासा डिफरेंस से होते हुए इजेक्युलेटरी डक्ट में आएगा। अब जब उनकी जंक्शन पे आएगा, वहां मशरूम ग्लैंड्स होंगे, वो इसे नरिश करेंगे। नरिशमेंट करने के बाद ये स्पर्मेटोफोर बन जाएगा। ठीक है, मशरूम ग्लैंड है, स्पर्मेटोफोर तो वहीं से बन गए सेमिनल वेसिकल से, क्योंकि वो ग्लूट कर देता है उन्हें, राइट। उसके बाद नरिशमेंट मिल गया डेवलपिंग स्पर्म्स को। अब यहाँ पर क्या होता है, जो स्पर्मेटोफोर का सेंट्रल चैम्बर होता है ना, स्पर्मेटोफोर क्या है, एक प्रोटीन कैप्सूल जिसपे स्पर्मेटोजुआ है, उस स्पर्मेटोफोर की सेंट्रल जो चेंबर है वहां पर स्पर्मेटिक फ्लूइड और स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये स्पर्मेटोजुआ ये गया सेमिनल वेसिकल्स में, सेमिनल वेसिकल्स से इजेक्युलेटरी डक्ट के थ्रू होते हुए मेल जेनाइटल पाउच के थ्रू बाहर हो जाएगा। सारे नरिशमेंट लेकर, स्पर्मेटोफोर्स बनकर, सब कंप्लीट पूरा स्पर्मेटोफोर जो है वो मेल जेनाइटल पाउच से निकल जाएगा और फीमेल जेनाइटल सिस्टम में एंटर करेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर करेगा और स्पर्मथीका में स्टोर हो जाएगा। सो फर्टिलाइज्ड एग्स जो है अब वो कहाँ सराउंड होंगे, किससे सराउंड होंगे, कोलेट्रियल ग्लैंड से सराउंडेड होंगे। तो क्या हुआ, बेसिकली स्पर्मेटोजुआ बना, सेमिनल वेसिकल, वासा डिफरेंस, इजेक्युलेटरी डक्ट, बाय टेकिंग ऑल द नरिशमेंट्स एंड एवरीथिंग, मेल जेनिटल पाउच से निकला और वहां से निकल के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर किया और एंटर करके स्पर्मथीका में स्टोर हो गया। अब जो एग्स हैं, ठीक है, जो ओवा है वो ओवेरियोल से ओविडक्ट वगैरह का पाथ लेते हुए फीमेल जेनिटल पाउच में एंटर करेंगे। जैसे ही एग्स फीमेल जेनिटल पाउच में एंटर करेंगे, उसी सेम टाइम पर स्पर्मथीका से वो स्पर्म्स भी रिलीज हो जाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। द मोमेंट द एग्स गेट फर्टिलाइज्ड, वो फर्टिलाइज्ड एग्स जो है कोलेट्रियल ग्लैंड से सराउंड हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, स्पर्मेटोजुआ टेस्टिस ने बनाया, अपना पाथ पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉलो करते हुए मेल जेनिटल सिस्टम से बाहर निकलकर दे एंटर इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और वहां पर स्पर्मथीका में गए। एग्स ओवेरियोल्स में, ओवरीज में, आपको अपने बता दें ना, 8 फाइन टेपरिंग टिब्यूल्स हैं, ब्लाइंड टिब्यूल्स, उनके थ्रू, ओवेरियोल्स के थ्रू, ओविडक्ट एंड एवरीथिंग फॉलो करते हुए फीमेल जेनिटल पाउच में एंटर करेंगे। वहां से, वहीं पर स्पर्मथीका से स्पर्म्स भी रिलीज हो जाएंगे। अब वहां फर्टिलाइजेशन होगी और वो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो सराउंड हो जाएगा बाय द कोलेट्रियल ग्लैंड्स। तो जो कोलेट्रियल ग्लैंड की सिक्रीशन है वो क्या है, हार्ड एग के ऊथीका। ऊथीकल चैम्बर क्या है, वेस्टिब्यूल, जो आपको मैंने दिखाया था जेनिटल पाउच का पोस्टीरियर पार्ट। ठीक, अब क्या होता है, एक ऊथीका जो है, मतलब एवरेज, ऑन एवरेज जो फीमेल है वो 9 to 10 ऊथीका रिलीज करती है। कहाँ रिलीज करती है, जहां ह्यूमिडिटी हाई हो। अब जब एक बार एग्स फर्टिलाइज हो गए, वो उसका जो एब्डोमेन है फीमेल का, फीमेल कॉकरोच का जो एब्डोमेन का टिप है, वहां पर वो हैंग करेंगे काफी टाइम तक, काफी डेज तक वो हैंग करते हैं, अंटिल और अनलेस फीमेल को एक प्रॉपर सूटेबल सरफेस नहीं मिल जाता जहां वो अपने एग्स ले कर सके। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब वो उसके फीमेल जेनिटल पाउच में आ गए हैं एग्स, और वो वहां पर फर्टिलाइज्ड एग्स, और वो तब तक वहां रहेंगे जब तक उसको एक सूटेबल सरफेस नहीं मिलता, जैसे कोई केव या क्रेविसेस, छोटे छोटे होल्स, अंधेरा, और जहां ह्यूमिडिटी बहुत हो वहां वो अपने एग्स ले कर देगी। ऑन एवरेज वो 9 to 10 ऊथीका ले करती है, और एक ऊथीका में 14 to 16 एग्स होते हैं। ऊथीका है क्या, एक केस की कवरिंग है, मतलब कि 9 से 10 ऊथीका रिलीज कर रही है ऑन एवरेज, और 14 to 16 एग्स जो कि 2 रोज में अरेंज होते हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर सपोज 10 ऊथीका है और एक ऊथीका में 16 एग्स हैं, मतलब एट अ टाइम अगर आप कैलकुलेट करो 160 एग्स फीमेल कॉकरोच ले कर रही है। ठीक है, और उतीका की लेंथ क्या होती है, इट्स 8 millimeters लॉन्ग, 8 mm लंबा होता है। ठीक, तो 14 से 16 एग्स हैं विच आर बीइंग अरेंज्ड इन 2 रोज इन 1 उतीका। ऑन एवरेज ये 9 to 10 उतीकास रिलीज करती है। अब आप लोगों को जब मैंने आर्थ्रोपोड कराया था, वहां मैंने आप लोगों को डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस बताए थे, होलो मेटाबोलस, हेमी मेटाबोलस। सिमिलरली एक टर्म होती है पोरो मेटाबोलस, वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था, दैट इज ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। नॉर्मली क्या होता है होलो में, कि एग है, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। इस केस में क्या होता है, एग है,
और एग से सीधे निम्फ बनते हैं. नो लार्वल स्टेज, नो प्यूपल स्टेज, एंड दिस निम्फ स्टेज इज मच मोर क्लोजली रिलेटेड टू द एडल्ट स्टेज. मॉर्फोलॉजिकल काफी सिमिलर दिखते हैं, ठीक है. इसी वजह से इसे हम पोरोमेटाबोलस कहते हैं. जो निम्फ्स होते हैं ना, जो एग से निम्फ बनेंगे, वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं और कलरलेस होते हैं विद ब्लैक आईज. ये इनके फीचर्स हैं, आपको पता होने चाहिए. निम्फ कैसा है, एग से सीधा निम्फ आएगी, कोई लार्वल प्यूपल स्टेज नहीं है. ये डेलिकेट है, ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है विद ब्लैक आईज. अच्छा, अब ये जो थर्ड पॉइंट है, निम्फ मोल्ड्स 13 टाइम्स टू रीच एडल्ट फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, निम्फ कितनी मोल्टिंग्स करता है टू रीच दी एडल्ट स्टेज? 13 मोल्टिंग्स करता है. अब इस 13 मोल्टिंग्स के टाइम पर निम्फ में ऐसी क्या डेवलपमेंट होगी कि वो एडल्ट बनेगा? निम्फ एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली ही एडल्ट की तरह दिखता है, ठीक है, और कुछ फीडिंग हैबिट्स में. लेकिन निम्फ जो है वो सेक्सुअली इमेच्योर होता है, जबकि एडल्ट सेक्सुअली मेच्योर होता है. तो जो निम्फ है उसमें क्या डेवलपमेंट होगी? विंग्स की फॉर्मेशन होगी, बॉडी साइज ग्रो करेगा, कलरेशन चेंज होगा, ब्लैक कलर का या डार्क ब्राउन हो जाता है, और जेनिटेलिया की डेवलपमेंट होगी. ऑफकोर्स क्योंकि हम कह रहे हैं ना निम्फ सेक्सुअली इमेच्योर है, लेकिन एडल्ट तो मेच्योर है, तो उसको अगर सेक्सुअल मेच्योरिटी अटेन करनी है, पहुंचना है, रीच करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि जेनिटेलिया की डेवलपमेंट जरूर. क्लियर? तो स्पर्मेटोजुआ और ये सारा फर्टिलाइजेशन और कैसे डेवलपमेंट हो रही है, आई होप ये पार्ट आपको क्लियर है. बहुत सिंपल है, कुछ बहुत टफ नहीं है. फीमेल सिस्टम में एंटर करके स्पर्मथीका में जाएगा, फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल जेनिटल पाउच में होगी, ठीक है. एग्स फर्टिलाइज हो गए तो एग के इससे सराउंड हो जाएंगे, जो कि इसकी सिक्रीशन है कोलेट्रियल ग्लैंड्स की. पोरोमेटाबोलस नाम की इसकी ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस टाइप की इसकी मेटामॉर्फोसिस है. एग से निम्फ बनते हैं, निम्फ के क्या कैरेक्टर्स हैं, देन निम्फ कितनी मोल्टिंग्स करता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. ऑन एवरेज एक फीमेल कॉकरोच कितने उथीका रिलीज करती है और एक उथीका में कितने एग्स होते हैं. दैट वाज ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट. नाउ लास्ट टॉपिक, बिफोर दैट आई फॉरगॉट टू एक्सप्लेन अबाउट द पेरीप्लेनेटा अमेरिकन एंड ब्लैटा ओरिएंटलिस डिफरेंस. ये दो कॉकरोच की डिफरेंट स्पीशीज हैं, ठीक है. आप लोगों को मैंने बताया था जब एनिमल किंगडम में भी, व्हेनेवर आई यूज्ड टू राइट सम साइंटिफिक नेम्स ऑन बोर्ड, अगर साइंटिफिक नेम लिख रहे हो अंडरलाइन देम, और अगर आप उनको टाइप कर रहे हो टाइप फॉर्म में, इट शुड बी इन द इटैलिक्स. यू कैन सी कि ये इटैलिक्स में, ठीक है. और जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल. तो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना जो है और ब्लैटा ओरिएंटलिस, ये अमेरिकन कॉकरोच है और ब्लैटा ओरिएंटलिस कॉमन इंडियन कॉकरोच है. हमने इन्हें डिफरेंशिएट किया है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कलर, विंग्स, प्रोनोटम, सलाइवा, या आप देख सकते हो. प्रोनोटम क्या है? मैंने आप लोगों को मॉर्फोलॉजी में बताया था कॉकरोच की, इट्स अ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो कि थॉरेक्स का, बॉडी डिवाइडेड इन हेड थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, तो थॉरेक्स का जो डॉर्सल पार्ट है उसे कवर कर रहा होता है, ठीक है. तो प्रोनोटम इट्स अ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो कि डॉर्सल सरफेस ऑफ थॉरेक्स को कवर कर रहा होता है. सो ये आप डिफरेंसेस एक बार देख लेना, दिस कुड ऑल्सो बी आस्क्ड इन योर नीट एग्जाम. और ये साइज, कलर, विंग्स, प्रोनोटम, सलाइवा, इनके बेसिस पे हमने इन दोनों को डिफरेंशिएट किया है. डिफरेंसेस देखोगे पढ़ने में बहुत सिंपल है, और प्रोनोटम क्या है, टेग्मिना क्या है, ये सब मैंने आप लोगों को मॉर्फोलॉजी वाले पार्ट में एक्सप्लेन किया है, ठीक. टेग्मिना इज बेसिकली अ मॉडिफाइड लेदरी फोर विंग, ठीक है ना. इसके बाद अब आते हैं हम मेटामॉर्फोसिस पे. मेटामॉर्फोसिस के लिए, मेटामॉर्फोसिस के ग्रेजुअल चेंजेस जो हो रहे हैं एग टू एडल्ट, राइट, उसमें दो हॉर्मोन्स का बहुत ही क्रूशियल रोल होता है. वेरी फर्स्ट इज द एग्डाइसोन एंड सेकंड इज द जुवेनाइल हॉर्मोन. कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है. एग्डाइसोन जो है ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड सिक्रीट करता है, और जुवेनाइल हॉर्मोन जो है वो कॉर्पोरा एलाटा सिक्रीट करता है. ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं एमसीक्यूज में. मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्डाइसोन को लिख देते हैं कि कॉर्पोरा एलाटा सिक्रीट कर रहा है और जुवेनाइल हार्मोन इज बीइंग सिक्रेटेड बाय प्रोथोरेसिक ग्लैंड. तो ये पता होना चाहिए कौन से दो हार्मोन्स मेटामॉर्फोसिस में हेल्प कर रहे हैं, कहाँ से उनकी सिक्रीशन हो रही है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक. अब जैसे हम ह्यूमंस में क्या होता है, जब मैं आप लोगों को ह्यूमन एनाटॉमी कराऊंगी वहां मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी. जैसे हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये दोनों किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड एंड हाउ दे आर रेगुलेटिंग अदर हॉर्मोन्स ऑफ आर बॉडी, सिमिलर वे में ब्रेन हर जगह रेगुलेट करेगा. तो ब्रेन के पास न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं, ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ब्रेन हॉर्मोन सिक्रीट कर रही है.
ये जो ब्रेन हार्मोन है ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा और यहां से एक्डाइसोन की सिक्रीशन होगी। मतलब एक्डाइसोन कब सिक्रीट होगा, जब ब्रेन हार्मोन सिक्रीट होगा, जब ये एक्टिवेट होगा। तो वंस द न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ द ब्रेन गेट एक्टिवेटेड दे विल सिक्रीट ब्रेन हार्मोन एंड दिस ब्रेन हार्मोन विल एक्टिवेट द प्रोथोरेसिक ग्लैंड और एक्डाइसोन की सिक्रीशन हो जाएगी। ठीक, अब इनके फंक्शंस भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरा इलाटा की। जो कॉर्पोरा इलाटा है ये क्या सिक्रीट करे, जुवेनाइल हार्मोन, और इसका ऑल्टरनेटिव नेम क्या है, नियोटेनिन। ये पता होना चाहिए आप लोगों को, मैं बार बार बोल रही हूँ ऑल्टरनेटिव नेम्स इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनेटिव नेम्स पे भी एमसीक्यूज में क्वेश्चंस होते हैं और हम भूल जाते हैं कौन से सिस्टम में प्रेजेंट है, क्या ऑल्टरनेट नेम है, ये चीजें ध्यान रखो, नोट करो, रिवाइज करते रहो। ठीक, तो कॉर्पोरा इलाटा जुवेनाइल हार्मोन या नियोटेनिन को जो है सिक्रीट कर रहा है। ये जो जुवेनाइल हार्मोन या नियोटेनिन है ये हेल्प करता है इन द रिटेंशन ऑफ निम्फल कैरेक्टर्स। जो भी निम्फ के, निम्फ क्या है, सेक्सुअली इमेच्योर स्टेज, स्टेज जस्ट बिफोर द एडल्ट कॉकरोच। ठीक है, विंग पैड्स आपको निम्फ में दिखेंगे पर विंग्स की जो प्रॉपर फॉर्मेशन है वो आपको एडल्ट्स में दिखेगी। तो जुवेनाइल हार्मोन जो है उन निम्फल कैरेक्टर्स को मेंटेन करता है, निम्फ स्टेज को मेंटेन करता है। अगर जुवेनाइल हार्मोन एब्सेंट होगा एडल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। जुवेनाइल क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना टिल 17 ईयर्स ऑफ एज एक इंडिविजुअल को हम जुवेनाइल कंसिडर करते हैं, छोटी स्टेज, छोटा। ठीक है, तो जुवेनाइल मीन्स कि निम्फल स्टेज को हम मेंटेन कर रहे हैं। जुवेनाइल हार्मोन एब्सेंट है, एडल्ट कैरेक्टर्स अपीयर अप हो जाएंगे। इन एडल्ट क्या होता है कि एडल्ट में यही कॉर्पोरा इलाटा सिक्रीट करता है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। अब एडल्ट स्टेज आ गई ना, अभी तक जुवेनाइल सिक्रीट कर रहा था, जुवेनाइल हार्मोन सिक्रीट कर रहा था जिसकी वजह से निम्फल स्टेज मेंटेन थी। एंड वंस दिस स्टेज गेट्स ओवर, जैसे ही एडल्ट में एंटर करेगा, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट और फंक्शनिंग को रेगुलेट करेगा, क्योंकि एडल्ट को जरूरी है कि वो सेक्सुअली मेच्योर हो। उसकी सेक्सुअल मेच्योरिटी के लिए क्या जरूरी है कि कॉर्पोरा इलाटा जो है वो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन सिक्रीट करे, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डेवलप भी करेगा और उसकी फंक्शनिंग को मेंटेन भी करेगा। नाउ कम्स टू द प्रोथोरैसिक ग्लैंड। प्रोथोरैसिक ग्लैंड जो है ये क्या सिक्रीट कर रहा है, एक्डाइसोन। एक्डाइसोन का काम क्या है, एक्डाइसिस ऑफ निम्फ उसको कंट्रोल करता है। एक्डाइसिस क्या होती है, शेडिंग ऑफ द क्यूटिकल। ठीक है ना, अब जब आप निम्फ स्टेज से एडल्ट में जाओगे तो चेंजेस होंगे, क्यूटिकल शेड होगा, काइटिनस क्यूटिकल बनेगा, ये सब चीजें होती रहेंगी ना, कंटिन्यूअस है प्रोसेस। तो प्रोथोरैसिक ग्लैंड जो है उससे एक्डाइसोन सिक्रीट होगा, एक्डाइसोन एक्डाइसिस में हेल्प करेगा। टर्म से टर्म मिलाओ, एक्डाइसोन है, एक्डाइसिस में हेल्प करेगा निम्फ की। ठीक है, और ये डीजेनरेट हो जाते हैं दोनों ही ग्लैंड्स, कॉर्पोरेट इलाटा प्रोथोरैसिक ग्लैंड्स डीजेनरेट हो जाएंगे वंस द मेटामॉर्फोसिस गेट्स ओवर। जैसी मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट हुई, एग, निम्फ और एडल्ट स्टेज आई, ये ग्लैंड्स डीजेनरेट कर जाएंगे। बहुत सिंपल था आप लोगों को, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया है। नहीं आया है, बी फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मैंने डिस्क्रिप्शन में ही आप लोगों को अपना मेल भी प्रोवाइड किया है, आप लोग उस पर भी मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बुक्स है, कोई एनी अदर टॉपिक से क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो। ठीक, अब इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, जैसे किस तरीके की डेवलपमेंट है मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। As I was saying कि alternative names पूछते हैं conglobate gland को क्या कहते हैं, ये पता होना चाहिए, और कहाँ present होते हैं, male में है या female में है। उथीका कौन secrete करता है, conglobate glands कहाँ होते हैं। अच्छा, जो इस तरीके के questions होते हैं ना, mark the false statement, तो इसका आसान तरीका क्या है कि अब जैसे फीमेल कॉकरोच के बारे में पूछे, reproductive system हो फीमेल कॉकरोच, तो या तो आपको एकदम करेक्ट आंसर पता हो, you will mark it off। अगर करेक्ट आंसर नहीं पता है और अगर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है बट यू आर अवेयर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो आपको याद है, तो आप उसके पॉइंट्स देख लो। अच्छा, ये तो मेल का है, इसका मतलब ये यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कह रहे हैं मार्क द फॉल्स स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल कॉकरोच। फीमेल कॉकरोच के लिए कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो आप एक वो स्टेटमेंट ढूंढो जो कि बेसिकली मेल्स में प्रेजेंट होती है और फीमेल्स में नहीं। ठीक है ना, वो वाली अगर आप एक स्टेटमेंट भूल लोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा और आप इजीली उसे देखकर मार्क कर सकते हो। ठीक है, अगला जो है, फीमेल कॉकरोच लैक्स, मैंने आपको बिल्कुल लेक्चर के स्टार्टिंग में बता दिया था, स्पर्म्स कहाँ स्टोर होते हैं ये सब बता चुकी हूँ। एंड नाउ दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ योर प्रीवियस लेक्चर्स। जो आपका लास्ट लेक्चर था नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स वाला, ये उसके सॉल्यूशन है। अगर आपको क्वेश्चंस, सॉल्यूशन, लेक्चर, किसी भी चीज
के रिगार्डिंग कोई डाउट है या आपके कोई सजेशंस हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में मेल है, आप उसके थ्रू भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो. सो स्टे ट्यून्ड. अगर पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं प्लीज देखो, कीप सपोर्टिंग मी. एंड टिल देन टाइम, हम लोग अगला चैप्टर जो है अब स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स. सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप वर्किंग एंड थैंक यू.